हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैंने सोचा मैं आप लोगों से सब काम खत्म करने के बाद ही मिलूं, तो टाइम मैं आपको दिखा देती हूं क्या हो रहा है। दोपहर के बज रहे हैं 12:25 और ये रही रीना। ये दवाई खा के एकदम मस्त हो गई है और अब इसको फिर से मैं डॉक्टर के पास, तो अभी फिर से जाएगी डॉक्टर के पास अपनी मेडिसिन लेने के लिए। अभी इसको लेके जाऊँगी। ऑस्कर खाना खा के सो चुका है और धूप भी बहुत अच्छी है, आज तो बहुत अच्छी धूप है, बट स्टिल मैं कलर नहीं कर पा रही हूँ अपने बालों को, तो सिर्फ रूट टचअप करना है अब देख लो, लेकिन मेरे को वो भी टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि हिम्मत नहीं कर रही मैं एक्चुअली, ना आपको बताऊँ सच तो जाने में बाहर से करवा दूँ, पर ना ये पार्लर्स और सलोन्स में जाके कलर करवाओ ना, इनकी पता क्या टेक्निक होती है कि कलर कर देंगे अच्छा, लेकिन वॉश करते टाइम इतनी ज़ोर ज़ोर से आपका वो मसाज कर करके सारा कलर उतार देंगे कि एक हफ्ते के अंदर आपको फिर से जाना पड़ेगा वहाँ पे। सो इससे अच्छा तो ये घर पे ही कर लो, अगर बहुत ज़्यादा आपको वाइट हो जाए आपके तो जाके बाहर से सलोन से करवा लो, अदरवाइज मैं तो घर पे करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि इन लोगों का ना यही मकसद होता है कि फटाफट से कलर उतरे और फटाफट से कस्टमर दोबारा से आए। सो भाई इतने पैसे तो फालतू वेस्ट करने के लिए है नहीं हमारे पास, तो इसलिए मैं कलर अपना खुद ही करूँगी, देखूँगी आज मौका मिला तो आज करूँगी, नहीं तो फिर हिम्मत करके कैसे भी करके करना तो पड़ेगा ही। और बाकी ब्रेकफास्ट का भी पता नहीं है क्योंकि अभी मैं सिर्फ इसको लेके जाऊंगी रीना को डॉक्टर के पास, और मेरा तो काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2% रह गया होगा तो वो अपने आप ठीक हो ही जाएगा। बाकी मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस मैं आ गई हूँ डॉक्टर के क्लिनिक में और रीना का अंदर चेकअप चल रहा है, देखते हैं क्या मेडिसिन मिलती है, मैं भी अपनी ले जाऊँगी खांसी 1-2 दिन की। और तो हम दोनों ने दवाई ले ली है डॉक्टर से, रीना को सदमा लगा हुआ है, वो सोच के गई थी कि मुझे सुई लगेगी और उसको लगी नहीं, पता नहीं शायद इसी चीज़ का सदमा लगा हुआ है इसको, है रीना किस चीज़ का सदमा लगा हुआ आपको, कि आपको दवाई मिल गई है आपको सुई नहीं मिली इसलिए। और हमारे ड्राइवर भैया गए हुए हैं चिकन लेने, चिकन सूप बनाऊंगी आज मैं सबके लिए, कल पालक का सूप बनाया था तो आज चिकन सूप बनेगा। बाकी एक अपडेट घर जाके देती हूँ आप, ऑस्कर क्या कर रहा है, उसने खाना खाया या नहीं खाया वो घर जाके पता चलेगा, और डोंट वरी ऑस्कर घर पर अकेला नहीं है, उसके साथ कोई है। सो मैं आ गई हूँ डॉक्टर से दवाइयाँ लेके सबकी और मैं आपको ऑस्कर से मिलवाती रहूँगी, मिल लो आप ऑस्कर से, वो घूम रहा है बालकनी में। ऑस्कर सो बालकनी का गेट मैंने कर दिया है बंद क्योंकि वहाँ से आ रही बहुत ठंडी हवा, और मैं आ गई हूँ किचन में, बनाएंगे चिकन सूप सब बीमारों के लिए, तो मिलते हैं आपसे, अभी रखती हूँ चिकन सूप ज़रा बनने। चिकन मुझे जितना चाहिए था ना गिर गया है, बाकी का चिकन मैं फ्रीज कर रही हूँ, और फ़ोन मेरा गिर गया है, मतलब कितनी बार गिर चुका है मेरा फ़ोन, ऑलमोस्ट 8-10 बार गिर चुका है, मैं तो ये डरती रहती हूँ कि टूटा तो ये लेके भी नहीं देने वाला नया इस बार, ये हाथ नहीं है बटर है बटर सब कुछ फिसलता रहता है। तो रखते हैं अपना चिकन बनने, चिकन सूप का फंडा सबसे सही है, भर के रख दो पानी जितना चिकन आपको चाहिए, मैं आपको दिखाती हूँ मैं कितना रखा है पानी, इतना रख दिया भर के, जब ये बिल्कुल आता रह जाएगा ना तो समझो आपका सूप रेडी है पीने के लिए। सो नमक नहीं डालूंगी इसमें क्योंकि इसको बॉईल करना है मुझे अच्छे से, और हो सकता है कि इसमें से थोड़ा सा चिकन मैं ऑस्कर को दूँ पर वो खाता नहीं है, पता क्या हो गया टेस्ट चेंज हो गया उसका बिल्कुल मुँह का। मैंने इसमें डाला है 2-3 काली मिर्च, 2-3 लौंग, क्योंकि चेरी ना आपको मिल लो आपकी ठीक हो गई है बिल्कुल, नाटक करती है, कह रही थी मैं तंग करने के लिए जानबूझ के लेती हुई थी, और इसमें मैं डाल रही हूँ एक छोटी इलायची बस, और कुछ नहीं डालना, अब जब पानी इसका रह जाएगा आधा तो मैं निकाल लूँगी इसको और बन जाए सूप। कुछ लोग मैं वैसे इसमें ना कॉर्नस भी डालना पसंद करती हूँ, कॉर्न से फ्लेवर अच्छा आ जाता है उसका, तो मैं कॉर्नस भी बॉयल करूँगी, बट कॉर्नस क्योंकि स्वीट कॉर्न होते हैं तो बहुत जल्दी बॉयल हो जाते हैं, वैसे भी फ्रीज होते हैं वो तो जल्दी बन जाते हैं, तो मैं उसको बाद में करूँगी, पहले सूप को बनने देते हैं। सो आज मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ आपके साथ, पता नहीं आप लोगों ने पहले टाइम किया हो, मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, मैंने बनवाई है 2 नमक अजवाइन की परौंठी, फिर बनाया है बटर, और साथ में मैं इसमें क्या खा रही हूँ बटर सूजी वाले, एक बाइट खाओ आप साथ में, अंदर रखो चिप्स बेमार ना हो जाएगा, मैंने एक एक्सपेरिमेंट मेरे साथ किया था, ऐसे क्रॉसिंग बनवा के तो 2-4 पास चिप्स ऐसे पड़े हुए थे साथ में खा रही, तो मैंने क्या किया तो जो लास्ट वाइज थी मेरी रोटी थी मैंने उसके साथ खा लिया, मज़ा आ गया आज भी वही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सो मैं इन्जॉय कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट परौंठी विद चिप्स, तो और आप भी अपना ब्रेकफास्ट कर लो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में चाय पे। आपको क्या करना है, एक बाइट एक बाइट तोड़नी है परौंठी की, उसके अंदर इस तरह से चिप्स को भरो और इसको ऐसे ही खाओ, सच मानो खा के देखो, आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसका खाने की रोटी के साथ।
सो हम दोनों जा रहे हैं ऑस्कर के नेल्स कटवाने हैं। इसके नेल्स देख लो आप, पास से कितने बड़े राक्षस के नाखून हैं इसके, ये देखो। तो इसके नेल्स कटिंग करने का दिन है, हम जा रही हूँ क्योंकि आगे कुछ पता नहीं, कोरोना के चक्कर में शॉप शॉप्स बंद हो जाए तो। सो मैं कटवा के आती हूँ फटाफट इसके नेल्स, फिर इसमें आ गई हूँ कट शॉप में। मेरा डर लग रहा है इसमें कटवाना आने वाला है, तो सोचा मैं लाऊंगी कि ग्रीनिंग के लिए लाएंगे मेरे पे नेल्स कटवा। अब देख लो ये डॉग है बेचारा, इसको ठंड लग रही है, इसका भी ग्रूमिंग के लिए आया हुआ है और इसका ओनर इसको छोड़ के गया हुआ है। पता नहीं ओनर छोड़ के क्यों जाते हैं। तो मैं देख सकती हूँ कि हॉस्पिटल की ग्रूमिंग किस तरह से हो रही है, अंदर नेल्स किस तरह से कट रहे हैं, रिकॉर्डिंग है सारी यहाँ पे, रिकॉर्ड अंदर कैमराज चलते रहते हैं, बाहर से बैठे अपने पेट्स को देख सकते हैं कि अच्छे से ठीक हो रहे हैं उनके साथ। तो हॉस्पिटल पूरी तरह से मेरी नज़र के सामने है। आ गए हैं डॉक्टर के पास से होके इसके नेल्स कटवा के, इसकी ग्रूमिंग करवा के। और देख लो आप, ऑस्कर ने आज न्यू टी शर्ट पहनी हुई है ना ऑस्कर, अच्छा लग रहा है ना आज ऑस्कर न्यू टी शर्ट में सबको। सो गाइस शाम हो गई है और मैं जा रही हूँ अपनी जोत अगरबत्ती करने शाम की। ऑस्कर ने खाना खा लिया है और खा के आराम से सो गया अपनी न्यू वाली टी शर्ट पहन के, उसको बहुत अच्छा लग रहा है उसमें। एक तो ना उसमें फ़ायदा ये है कि वो आगे से फ्रंट ओपन नहीं है तो वो खोल उसको उतार नहीं पाता, और दूसरी बात कि वो बहुत लाइट वेटेड है, जैसे कैसे बताऊँ आपको, बहुत सॉफ्ट होता है ना वेलवेट, अंदर एक गर्म कपड़ा होता है तो वो बिल्कुल बॉडी के साथ टच करके रहता है और होता भी बड़ा लाइट वेटेड है, तो उसको उस तरह की वो आई हुई। और तब से जब से उसने वो पहना हुआ है ना तब से वो आराम से रेस्ट ही कर रहा है, सो ही रहा है, सो बहुत मज़ा आ रहा है। तो मेरे बच गए हैं शाम के 6:30 और मैं लगी हूँ अपनी जोत जलाने शाम की। तो गाइस रात के बज गए हैं 8 और मैं जा रही हूँ अपना डिनर करने। डिनर में मैं आज मैंने बनाए हैं प्रॉन्स, सो मैं वही खाऊंगी, और बाकी सब बीमार लोगों के लिए चिकन सूप एंड खिचड़ी है वो सब खाएंगे। ऑस्कर से मैं मिलवा देती हूँ। ये रहा ऑस्कर, आज अपनी न्यू टी शर्ट पहनी हुई है इसने विंटर्स की, जब से पहनी है तब से बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है ये आज। तो मिलती हूँ आपसे कल मॉर्निंग में, टिल देन गुड नाइट।